हाय एवरीबॉडी, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं होटल मनाली कासल। ये मनाली मॉल रोड से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। इट इज अबाउट 1500 मीटर्स। वो काफी सुंदर होटल है, इतनी अच्छी लोकेशन पे है। आप देखिए इसके आसपास की लोकेशन जो है वो काफी सुंदर है। एंड ये बिल्कुल मॉल रोड पर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे दूर है। अलेऊ एक जगह है, वहां पर ये है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। और चलती है, दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ आएंगे मनाली कासल होटल में, तो आपको यहाँ से कॉनिफर व्यू भी मिलेगा। ये देखिए, ये लॉन है, काफी बड़ा लॉन है। आराम से बैठ के आप लोग यहाँ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। ये आपको होटल की बिल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और हर रूम से आपको बालकनी का जो मजा है ना, वो भी मिल जाएगा। चलिए आइए, चलते हैं होटल में और दिखाते हैं आपको कि ये होटल कैसा दिख। सबसे पहले आप लोग आएंगे रिसेप्शन एरिया में। दिस इज योर रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया। यहाँ आप बैठ सकते हैं, मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप चेक इन और चेक आउट करेंगे इस होटल में, राइट। अब चलते हैं हम आपको दिखाने होटल का रूम। सो होटल का जो हमें रूम देखने को मिला है वो है रूम नंबर 403। ये है 402, ये है थर्ड फ्लोर पर। सो ये है गैलरी, देख सकते हैं। होटल में रूम के बाहर वाईफाई फैसिलिटीज प्रोवाइड है, तो मतलब आपको वाईफाई एक्सेस मिल जाता है रूम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल क्लीन्ड है रूम। गैलरी देखो आप कितना साफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा चलने में हमें देर लग रहा है। ड्रॉबैक है, थर्ड फ्लोर मिलता है तो आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी। सो लिफ्ट का कोई बंदोबस्त यहाँ पे फिलहाल नहीं है, लेकिन आप वॉक करके जा सकते हैं। सो वी हैव जस्ट अबाउट टू रीच, ये आ गया है थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर पर हम आपको अब दिखाएंगे आपका रूम। सो ये है रूम नंबर 402। लेट्स चेक, वेरी गुड। सो जो रूम है काफी बड़ा है, रूम काफी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस काफी। और यहाँ पर आपको मिलता है किंग साइज बेड, आराम से बैठ सकते हो एक बार, ठीक है, स्प्रिंग वाला है, गुड फॉर यू। और यहाँ पर मैक जोन की आपको एलईडी मिलती है, सेटअप बॉक्स मिलता है, और आपको पहले बता चुका हूँ वाईफाई एक्सेस है रूम में। नीचे अगर आप बात करेंगे, नीचे वुडन है ये, सो आपको ज्यादा ठंड नहीं लगने वाली, ये मनाली में बहुत ठंड होती है विंटर्स टाइम। साथ में आपको दो सोफा चेयर मिल जाती हैं डिनर या मील लेने के लिए। साथ में यहाँ पर रिमोट अवेलेबल है और ग्लास है। अगर रिसेप्शन से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए फोन है। आपको अगर मील रूम में चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आइए अब दिखाते हैं आपको व्यू। तो ये जो रूम है 402, इसकी बालकनी कुछ इस तरीके से है, हमें इसे हटाना पड़ेगा, उसके बाद बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द व्यू, द व्यू इज क्वाइट गुड, काफी सुंदर व्यू है, व्यू में कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात क्या है, यहाँ आपको लगभग 3:15 तक आराम से धूप मिलेगी। 3:30 बजे तक आराम से आप धूप में यहाँ बैठ के चिल कर सकते हैं। सो सर्दियों के लिए स्पेशली काफी अच्छा रूम है। आइए देखते हैं वॉशरूम कैसा है यहाँ का। सो हम लोग देखेंगे वॉशरूम। सो दिस इज द वॉशरूम, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गीजर अवेलेबल है और बाकी सब चीजें फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, और काफी अच्छा है। और हमारे साथ हैं हमारी कैमरामैन रजनी वर्मा, और वॉश बेसिन है, बाकी सब ठीक ठाक है रूम, सॉरी वॉशरूम। और वॉशरूम को हम रेटिंग देंगे 7.5, नो प्रॉब्लम, 8 भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काफी साफ सुथरा है। इसके बाद घर चप्पल भूल गए, स्लीपर्स दिए हैं, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर वार्डरोब दी गई है, एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दे दिया। चलिए सभी में मिलता है एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, इसमें मिला है, अच्छी बात है। अब हम आपको दिखाएंगे इस होटल का रेस्टोरेंट। अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें 3 स्टेयर्स डाउन जाना पड़ेगा। आइए, और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट है वो एकदम जो लॉन है उससे मिलता हुआ है, रिसेप्शन के बराबर में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब नीट क्लीन, काफ़ी बड़े, मतलब स्पेस काफ़ी है यहाँ पर, स्टेयर्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं। और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, खाते हैं आपको रेस्टोरेंट कैसा है। वन मोर थिंग, आपने होटल के रूम में हीटर नहीं देखा होगा, वो आपको मिल जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है। अगर आपको हीटर चाहिए तो ऑन पर हीटर कॉस्ट वो मिल जाता है। इट इज़ अप्रॉक्स 200, 300, 400, 500, डिपेंडिंग ऑन सीजन के कब आप आ रहे हैं। और अब हम आपको रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट जो है वो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा। आइए आपको दिखाते चलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में। दिस इज द रेस्टोरेंट, इट इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक है, अच्छा है, तब आप आराम से बैठ के यहाँ पर फूड एंजॉय कर सकते हैं। साथ में होटल का ही मेन्यू आपको मिल जाता है। ये आपका डाइनिंग एरिया है, आराम से बैठ के लंच, डिनर या कॉफ़ी वगैरह आप पी सकते हैं यहाँ भी, लेकिन सजेस्ट करूँगा कि रूम में ज़्यादा बेटर है। आइए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं लॉन, फिर से दिखाते हैं लॉन। आई होप मैंने वीडियो की एंट्री में ही आपको दिखा दिया था। सो दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आर्स, ये है लॉन, काफ़ी बड़ा है यार। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है यहाँ
आराम से टाइम स्पेंड करो, बैठो, कपल है तो बातें करो, घूमो फिरो, ऐश करो। और व्यू बहुत अच्छा है, सन यहाँ पर आराम से रहता है 3:30 बजे तक, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा है तो देखो यार, शर्माओ मत, लाइक कर दो। ऐसे ही कंटेंट देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हिमाचल आ रहे हो या आपका कोई दोस्त हिमाचल आ रहा है तो भैया होटल देखना है तो जो भी आप होटल देखना चाहते हैं, आई होप, आई विश कि हमारे चैनल पर वो सभी होटल्स अवेलेबल होंगे ताकि आप लोग घर बैठे होटल देख पाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, थोड़ा तो सपोर्ट कर दो यार। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।